नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल रेज द चॉइस में स्वागत है। आज मैं आपको साबूदाना खिचड़ी बनाने का रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। वो इंग्रेडिएंट्स है, मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था वाटर। पहले थोड़ा पानी डालने का साबूदाना में, और फिर उसको आधे घंटे रख कर पानी निकाल दें। जब पानी निकल जाए तो उसको ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट के बाद वो ऐसे हो जाएगा, आप उसको दबाओ के वो दबेगा, मैश हो जाएगा। ऐसा साबूदाना रखना है। सॉल्ट चाहिए, धनिया, नींबू, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, मिर्ची, दो छोटे टमाटर बारीक कटे हुए, लाल मिर्च, दो छोटे पोटैटो, आलू जो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। इसको बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको जब डालते हैं तो मैसी सा हो जाता है, वो पोटैटो दिखता नहीं है उसमें प्रॉपर। ये पीनट्स है थोड़ा जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ है, जीरा, ये पीनट्स, मूंगफली जो भूंज कर मैंने पीस लिया है। साबूदाना को एक टोप में रख लीजिए। इसमें अभी हम मिक्स करेंगे ये पिसा हुआ भूंजा हुआ मूंगफली पीनट जो मैंने पीस के रखा था पहले से, उसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें लाल मिर्च डाल दीजिए, इसको भी अच्छे से अपने टेस्ट के अनुसार आप सॉल्ट इसमें डाल लीजिए। मैंने 2 टीस्पून डाला है सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप इसको बनाओगे तो ये चिपक जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। अभी बनने के बाद ये देखिएगा अलग अलग रहेगा, एक एक दाने विजिबल रहेंगे। अब हम एक कढ़ाई स्टार्ट कर लेंगे। अभी कढ़ाई को उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको गर्म होने तक रखते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दें। जीरा से क्रैक होने लगे, क्रैकिंग की आवाज आने लगे, तो उसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी मिर्ची, और ये साबूदाना का हम लोग ने तैयार किया हुआ है सब मिक्स करके मूंगफली, ये इसको डाल। इसमें ये मूंगफली दाना जो फ्राई करके रखा है वो डाल दीजिए, और पटाटे डाल दीजिए फ्राई करके, मिक्स करेंगे। अब इसको हम 5 मिनट ढक कर रख देते हैं। मिनट हो गए इसको ढक कर रखे हुए। अब इसमें हम टमाटर जो कटा हुआ था उसको मिक्स कर देंगे। इसको फिर 5 मिनट
ढाक कर रखते हैं। 5 मिनट तक इसको ढाक कर रख दिया है। उसके बाद फिर एक बार मैंने चलाया, फिर उसको 5 मिनट तक ढाक कर रख दिया है। अभी देख लेते हैं ये पक गया है। ये अच्छे से पक गया है, देखिए सारे दाने इसके अलग अलग हैं और फूले हुए दिख रहे हैं। अब हम इसमें नींबू डाल देंगे। आधा नींबू, नींबू डाल देंगे और धनिया डाल देंगे। गैस बंद करके 2 मिनट तक इसको ढका रहने देंगे। ये देखिए हमारा साबूदाना खिचड़ी कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। आप चाय के साथ इसको परोसिए, सुबह के नाश्ते में, शाम के नाश्ते में ये बहुत पसंद किया जाता है। मेरे घर में तो ये डिनर टाइम में भी कभी कभी बनता है। ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और कम ऑयल में बना हुआ है। इसको अपने घर में अपने परिवार को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट भी करिए कि आपने बनाया और आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल रेज योर चॉइस।